हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट सुपरफुट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे किक में हिप का रोटेशन और नी का स्नैप और ग्राउंड से पावर लाए। हम कोई भी किक करते हैं, 360 हो, 540 हो, या नॉर्मल साइड किक हो, राउंड हाउस किक हो, हुक किक हो, सब में इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें जो पावर लाना है वो हिप के रोटेशन से आता है, राइट? तो हमें प्रॉपर हिप का रोटेशन करना है और नीचे स्नैप करना है, तभी हमारा किक का परफेक्शन बनता है। हम लोग कभी कभी जंप स्पिनिंग किक हो या 540, 360 हो, तो उसमें हमारा क्या होता है कि किक ऐसे चला जाता है। दिस इज नॉट द वे, ओके? इसमें क्या होता है कि हिप का प्रॉपर पावर हम लोग नहीं दे पाते, तो हमें प्रॉपर टर्न लाना होगा, बॉडी का टर्न करके हिप में पावर ला के किक को स्नैप करना पड़ेगा। तो हम जब टर्न करते हैं ना, तो हिप का पूरा पावर आता है, ठीक है? तो रोटेशन पे हमेशा ध्यान दें कि कैसे रोटेट करके पावर जनरेट होता है। कभी कभी खाली स्पिन से नहीं होता है, हमें पावर जनरेट करने के लिए थोड़ा सा हिप का स्ट्रक्चर उस पर काम करना पड़ता है। तो गाइस, आई वांट शेयर विथ यू दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, हाउ वी कैन डेवलप आवर रोटेशन एंड प्रॉपर टेक्निक्स। सो जॉइन विथ मी, प्रैक्टिस विथ मी गाइस, कम ऑन। So friends, during any kind of kicks, we must do this kind of slight look after this techniques, okay? तो हमें जब राउंड हाउस किक करते हैं, this is the राउंड हाउस किक, right? When I do a spin or 180 degree or 360 degree or 540 degree, then also it is a राउंड हाउस किक, okay? If I go like this and I do this, this is also a राउंड हाउस किक, it's a part of राउंड हाउस किक, okay? If you are doing a tornado kick, 360 kick, okay. So, हमेशा गौर करें कि राउंड हाउस किक में पावर कहाँ से आता है। राउंड हाउस किक में पावर हिप के रोटेशन से आता है। Some people do the basic things wrong is whenever they go from here, if I show you, okay, they kick like this. This is not the way. Hip close हो रहा है, hip close हो रहा है, not stretching your kick, hip, okay. और कुछ लोग कैसे करते हैं कि ओके, सो हियर दिस पार्ट हिट्स, ओके, नॉट दिस पार्ट, मगर हमें कौन सा पार्ट हिट करना है, दिस पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट हिस्सा जो है वो स्नैप होगा। सो कम ऑन, लुक गाइस, व्हेनेवर आई डू अ राउंड हाउस किक, ओके, नी अप, ऑल इज अबाउट नी, नी अप, स्नैप बैक एंड डाउन with this leg also and back, okay, and back. So when I do a spin, okay, come on, I go up and complete hip rotation and kick, complete hip rotation, okay. जो air में करते हैं, मेरा last video भी air के ऊपर था, तो air में जब करता हूँ तब ऐसे ऐसे दिख जाता है, ठीक है? मगर हम लोग जब पैडिंग करते हैं, इसी का यही चीज़ अच्छा है पैडिंग में, कि पैडिंग में आपको प्रॉपर कहाँ पे हिट करना है वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हिट करना है ना, तो इफ़ आई डू ए हुक पंच आल्सो आई हुक हियर, मगर अगर एयर में कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इधर आगे पीछे हो सकता है, मगर यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिलता है, यहीं पे किक पंच करना है, तो आई डू दिस, ओके। सो व्हेन आई डू अ 360 किक, ओके, पैडिंग, ओके, पैडिंग में करो तो प्रॉपर आपका हिप रोटेशन आएगा, तो गिव इट ट्राई, पैडिंग में पूरा हिप का रोटेशन और किक हमेशा ऊपर से डाउन की तरफ मारना, ठीक है? किसी को मैं अगर किक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा पावर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, मगर मैं दबा रहा हूँ किक डाउनवर्ड किक, तो उसमें पावर उसके अंदर आएगा, प्रेशर पूरा उसके बॉडी पे आएगा, ठीक है? तो कमान ये रहा, और आई एम डूइंग अ 360 किक, ओके, पूरा हिप का मूवमेंट, लुक द हिप मूवमेंट, ओके, और हिट दिस पार्ट, ओके, आई डू अ स्टांस, जहां पे आपका पोजीशन है प्रॉपर किक, व्हेनेवर आई डू 540, व्हेनेवर आई डू बैक स्पिनिंग, look sometimes when we do a back kicking, okay, come
बैक स्पिनिंग हो, हुक किक हो, उसमें हमारे जो हार्मफुल एरिया है हिल का पार्ट है, जो सॉफ्ट एरिया है वो टो का पार्ट है, दिस पार्ट. तो व्हेन एवर आई वांट टू हर्ट समवन आई विल डू दिस. ओके, हिप का पावर लाएं और हिल से स्ट्राइक करें. मगर हम लोग जब स्पोर्टी हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अप स्लाइड अप एंड बैक, कम ऑन अप. व्हेनेवर आई डू द बैक स्पिनिंग आल्सो, दिस इज द स्ट्राइक. मगर मैं स्पोर्ट्स के लिए कर रहा हूं एंड बैक एंड बैक. ओके गाइस, सो गिव इट ट्राई विथ योर सेल्फ इन योर होम इन योर डोजो एंड वॉच माई वीडियोज. डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड थम्स अप गाइस. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.